पश्चिम बंगाल में सीबीआई सक्रिय है और आज सीबीआई ने राज्य के 3 जगहों पर छापा मारा है। साथ ही अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा के घर की भी तलाशी ली है और लुकआउट नोटिस जारी किया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि राज्य के 3 स्थानों पर सीबीआई ने छापा मारा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा के घर भी सीबीआई ने तलाशी ली है। जानकारी के मुताबिक विनय मिश्रा के नहीं मिलने पर सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। सीबीआई हाल ही में कोयला और मवेशी तस्करी के मामलों में तत्पर नजर आई है। इसके पहले केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने राज्य में कई स्थानों पर छापेमारी की थी। बीते 22 दिसंबर को तलाशी ली गई थी। अवैध कोयला तस्करी की जाँच में यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। सीबीआई ने बांगुड़ एवेन्यू में गणेश बगाड़िया नाम के एक शख्स के घर पर छापा मारा था। दूसरी ओर भारत बांग्लादेश सीमा पर गो तस्करी मामले में बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कुख्यात गो तस्कर इनामुल हक को आसनसोल जेल से आसनसोल सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई जज जयश्री बनर्जी ने आरोपित की जमानत अर्जी नामंजूर करते हुए उसे आसनसोल जेल भेज दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है। आपको बता दें कि इनामुल ने सीबीआई अधिकारियों को देख लेने की भी धमकी दी है। गौरतलब है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल समेत अन्य कई राज्यों में कोयला घोटाले के सिलसिले में कम से कम 40 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। यह तलाशी अभियान लगभग 6 घंटे तक चला था। इस दिन कोलकाता समेत आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, बर्धमान, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में कई जगहों पर तलाशी की गई थी। इस बीच पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए कहा कि बंगाल के एक पावर ब्रोकर विनय मिश्रा के यहाँ सीबीआई के छापे के बाद बंगाल के उच्च अधिकारियों की आपातकालीन बैठक और मुख्यमंत्री और भाईपो के यहाँ हलचल प्रदेश में चर्चा का विषय है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से कोयला और गौ तस्करी को लेकर सीबीआई सक्रिय है। इस दिन सीबीआई की टीम ने 3 स्थानों पर छापा मारा। अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा के घर भी सीबीआई ने तलाशी ली। जानकारी के मुताबिक विनय मिश्रा के नहीं मिलने पर सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया है।